वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई नया दिन नई शुरुआत, नई शाम हो गई है। सो दिन तो क्या ये चल रहा है, ना शाम हो रखी है और अपन यहाँ से जा रहे हैं अपनी नाइट शिफ्ट के ऊपर। तो भाई पहली शिफ्ट है अपनी और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों से ड्यूटी छोड़ी हुई है मैंने, बट भाई जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का, काम धंधा करने का मन नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं। अपने को हो गए 1.5 महीने हो गए वहाँ पे जाते हैं, अभी वहाँ पे जाके जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, देखेंगे कैसी रही है। और अभी बज रहे हैं भाई शाम के 7:30 होने वाले, और देखो ऐसा ऐसी धूप आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं दोपहर के, ना तो ये भी सही नहीं लगता मेरे को। दिखाता हूँ आपको बाहर का मौसम देखो। और भाई मैंने गार्डन वार्डन एकदम बढ़िया साफ कर दिया, मैं दिखाता हूँ देखो। तो ये देखो आप, मैंने गार्डन साफ कर दिया था, एक भी घास वास नहीं है अभी। पहले वाला आपने देखा होगा तो कितनी बुरी कंडीशन थी, ये वीड किलर डाला था मैंने यहाँ पे, सारी वीड्स हैं सारी मर गई, जो घास वास थी सारी मर चुकी हैं। और भाई मौसम देखो दिख रहा है, कड़ा वाला दिन निकला हुआ है अभी फिलहाल, तो ये कंडीशन है। क्योंकि समय ही ऐसा होता है ना यहाँ पे, ना गर्मियों में 10-10 बजे तक मतलब सूरज छिपता है, ऐसी धूप रहती है यहाँ पे बढ़िया वाली। तो अपन निकलते हैं यहाँ से शिफ्ट के ऊपर और क्या करेंगे, शिफ्ट मार के आते हैं, है ना। 3 शिफ्टें लगातार, 3 नाइटें हैं मेरी, पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिम भी स्टार्ट करनी है, अब जिम स्टार्ट करेंगे। भाई काफ़ी सारे लोग बोलते हैं वजन बढ़ गया, तो भाई वजन अच्छा खासा बढ़ लिया अपना, 8 किलो बढ़ गया है वजन, 8 किलो मतलब माँ क्या था खाना खाया। और चूरमा तो भाई मैं लेके आया था और अभी भी है मेरे पास, घरवालों ने बांध के दिया है कि भाई खा लेना वहाँ जाके, है ना, मन नहीं कर रहा जाने का। चले और चलो अपना क्या बोलते हैं, यहाँ से अभी निकल लिया हूँ यार मैं ना ड्यूटी के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे जंग पे जा रहा हूँ मैं। कारगिल पिक्चर देखिए जाते हैं ना जंग पे, तो भाई ये खड़ी अपनी बसंती यहाँ पे, लेके जाएंगे इसको बसंती। चलो फिर भी भाई जाना तो पड़ेगा, नहीं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्या करूँ, और नहीं जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से शिफ्ट के ऊपर, हॉस्पिटल पहुँचते हैं, हॉस्पिटल मिलते हैं हम लोगों से। चलो के ऊपर पहुँच गया हूँ मैं, अपने बसंती लगा दी है यहाँ पे गाड़ी बुजुर्ग के पीछे, और अपन यहाँ से निकल रहे हैं अपनी शिफ्ट के ऊपर यहाँ से। तो भाई अपना हॉस्पिटल है, पार्किंग है यहाँ पे अपनी, सिर्फ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों की ये पार्किंग है ना। मन नहीं कर रहा यार जाने का, 10 बार बोल चुका हूँ ये बात, इसका मतलब सच में नहीं कर रहा। कोई नहीं, 12 घंटे निकाल के आते हैं फिर चलते हैं यहाँ से निकल के घर, घर से फिर जिम। तो भाई जब अपनी शिफ्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, मैं आ गया हूँ यहाँ से घर, अपने सामान बैग का है मेरा, बैग निकालते हैं अपन और यहाँ से चलते हैं अपने घर। भाई मेन चीज़ ये ना कि मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में शूट नहीं किया शिफ्ट ख़त्म होने के बाद, रीज़न ये है कि मैं जैसे निकला था कैमरामैन को छोड़ना था, तो मेरे पास इतना ही टाइम डिफरेंस रहता है कि 15 मिनट का, 10-15 मिनट का, जिसके अंदर मेरे को मेरी शिफ्ट ख़त्म करनी होती है। जैसे मेरी ख़त्म होती है 45 या 50 में, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है वैसे हॉस्पिटल से, खाली 5 मिनट की ड्राइव है ना। तो ये पीछे लगा दी मैंने अपनी बसंती, हाँ तो मतलब 5 से 10 मिनट की ड्राइव ही है, तो वहाँ से ख़त्म होता है मेरा 45 पे, और इसकी एंडोस्कोपी स्टार्ट होती है 8 बजे, तो फिर इसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है मेरे को ना, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया, मतलब शूट नहीं किया हॉस्पिटल में ना। फटाफट अभी घर आया हूँ, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, तैयार होऊंगा, थोड़ा प्री वर्कआउट लेते हैं और फिर जाएंगे सीधा जिम यहाँ से। प्रोटीन अपना आ चुका है भाई, देखो इतना डब्बा आ गया है ना, तो भाई ये प्रोटीन पीते हैं और मौसम दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को कैसा हो रखा है। तैयार होते हैं फिर निकलते हैं जिम के लिए। तो ये देख रहे हो मौसम आप लोगों को, बढ़िया बादल हो रखे हैं, बारिश आने वाली है, गर्मी का नामो निशान नहीं है ना, पर थोड़ी बहुत होनी चाहिए वैसे गर्मी, पर पता नहीं क्यों नहीं है। तो अपन चलते हैं भाई यहाँ से जिम की तैयारी करते हैं। चलो भाई अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, 5-10 मिनट लगते हैं वैसे तैयार होने में। प्री वर्कआउट में केला लिया है, एक अकेला केला है ना, और ये थोड़ा कचरा है भाई ये फेंक देते हैं, ये जो प्रोटीन का डब्बा आया था पुराना वाला फेंकते हैं। यहाँ पे ऐसे बिन्स होते हैं ना, ये दिख रहे होंगे आप लोग को, तो भाई ये अलग अलग बिन में अलग अलग चीज़ें जाती हैं। ठीक हो गए, अपन यहाँ से निकलते हैं जिम के लिए। चलो गाड़ी वैसे मैंने एक दिन साफ़ कर दी थी, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए नहीं आने के बाद, गाड़ी गार्डन भी साफ़ किया था, गाड़ी भी साफ़ करी थी। एक सेकेंड भाई खोलते हैं इसको, दिख रही होगी आप लोगों को ना, ज़्यादा गंदी नहीं है, साफ़ मैंने कर दी थी। तो भाई अभी निकल रहे हैं यहाँ से जिम, और अभी मैं अभी आऊँगा जिम मार के, घर आऊँगा, खाना वाना बनाऊँगा, खाना खाऊँगा, और फिर फिर कैमरामैन को लेने के लिए अपने को जाना है। कैमरामैन को लेके आके फिर देखते हैं शॉपिंग करनी क्या करना है, क्योंकि कल की हमारी छुट्टी है ना, उसकी भी है मेरी भी छुट्टी है, दोनों की छुट्टी है, तो देखते हैं आगे का क्या प्लान है, बट अभी जिम मार के आते हैं। चलो भाई काफ़ी दिनों के बाद जिम आए हैं, अच्छा सेशन चल रहा है, थोड़ा दर्द है पर सही है।
ये फिलहाल कंडीशन हमारी काफ़ी अच्छा खासा वेट गेन अपन ने कर लिया है, बट अगर बात करें मसल्स की तो हैं अच्छी खासी हैं। अभी जिम मारते हैं, कल का सेशन खत्म हो गया, आज मैंने मारा है शोल्डर प्लस चेस्ट मारी, मैंने रूटीन चेंज किया अपना, पुश पुल लेग मारेंगे, शोल्डर चेस्ट बैक बाइसेप और शोल्डर चेस्ट के साथ अपन ऐसे को कंटिन्यू करेंगे, फिर साथ में लेग लास्ट वाले दिन थर्ड वाले दिन। ये अपना रूटीन रहेगा अभी फिलहाल 3 महीने के लिए। चलो सेशन खत्म करते हैं और घर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई जिम का सेशन खत्म हो चुका है अपना, काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी अच्छी खासी जिम मारी अपन ने, और जो अपना वो चल रहा है ना क्या कहते हैं इसको, जो अपनी नई स्प्लिट अपन यूज़ कर रहे हैं कौन सी थी वो पुश पुल लेग वाली, एक नंबर की चल रही है, आज पुश था कल पुल है, फिर हम लेग मारेंगे उसके बाद, 3 दिन का ही रहेगा। और भाई मौसम देख लो एक नंबर का हो रखा है, सब लोग बाहर निकले हुए हैं, अच्छी खासी धूप है, धूप तो क्या होगा मतलब रोशनी अच्छी खासी है ना, तो सब लोग बढ़िया घूम रहे हैं बाहर, इन्जॉय किया जा रहा है इस वेदर को, इन्जॉय कभी कभी मिलता है ऐसा वेदर यहाँ पे ना, और ना तो भाई धूप तो देखने के लिए नहीं मिलती है, रोशनी देखने के लिए नहीं मिलती है, खाली बारिश और बर्फ़ सर्दी यही रहती है। तो अपना सेशन खत्म हो गया, अपन यहाँ से निकल रहे भी घर, घर जाके खाना बनाते हैं और क्या कहते हैं उसको आगे का पूरा दिन, थोड़ा बहुत सोएंगे भी नाइट करके आए तो। नहीं भाई घर आ लिए हैं अपन, तो अभी एक इंसिडेंट सुना था वो ऋषिकेश वाला ना भाई, काफ़ी ख़राब हुआ है वो, होना नहीं चाहिए था, और मैं तभी आप लोगों को बोलता हूँ कि अपने प्रोफेशन में इतनी अच्छी खासी नॉलेज होल्ड करो कि आपको कोई कुछ बोल ना सके, और अगर बोलता भी है तो आपको जवाब देना आना चाहिए। काफ़ी अच्छा किया उस स्टाफ नर्स ने जो भी थी, काफ़ी अच्छा खासा जवाब दिया उसने, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। देखो एक रहता है एक प्रोफेशनल के दायरे में रह के जवाब देना, एक होता है कि हम लोग कैसे भी जवाब दे दें है ना, वो चीज़ें सही नहीं होती। इनिशियली जब मैंने देखा तो जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया वो डॉक्टर की तरफ से किया गया था, कोई बात है कि नहीं, वो चीज़ें एक मीटिंग रूम के अंदर एक बोर्ड रूम के अंदर भी चीज़ सुलझाई जा सकती थी, बट नहीं, ये है टीम वर्क, देख लो ये टीम वर्क है, सब लोग रोते रहो टीम वर्क के लिए और फाइनली ये टीम वर्क निकलता है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे वाला जो चैनल है उसके ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो बनाई है मैंने, आप लोग जाके ज़रूर देखना उसके ऊपर है ना। तो भाई अपन सो के उठ लिए थे और कैमरा मैन को ले आए थे, अभी टाइम हो रहा है शाम के, काफ़ी टाइम हो रहा है, टाइम देखना पड़ेगा, देखने के लिए टाइम, फोन डर लगा रखा है, मैंने वीडियो बनानी थी पर बनाई नहीं भाई, कारण ये है कि 20 हो गए मतलब 8 बज गए, मौसम दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो मतलब अभी भी धूप आ रही है, धूप 8 बज रहे हैं, कैमरा मैन को मैं ले आया था, उसके बाद घूमने के लिए जा रहे हैं एक इवनिंग वॉक पे, कुछ सामान वामान भी लेना है वो देखेंगे लेके आते हैं यानी, बट वॉक ज़रूरी है, काफ़ी दिन हो गए ना, तो एक वॉक पे जाते हैं छोटी सी, बगल में चलते हैं आप लोगों को दिखा के लाता हूँ, काफ़ी अच्छी वॉक है। चलो तो भाई निकलते हैं अपन, आप फ्रंट गेट से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता गाड़ी में थी चाबी, तो फिर वहीं पे चेक कर, भाई फ्रंट वाले गेट की जो चाबी वो गाड़ी के अंदर पड़ी है, तो पीछे वाले गेट से जा रहे हैं ना, क्या करें, किसी के दिमाग ही इतना काम करता हूँ तो क्या कर सकते हैं, नहीं एक तो वॉक थी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी, और कोई बात नहीं वॉक दिखा के लाते हैं, तो चलो ले इसको लॉक लगा दे यार, और चाबी निकाल देना उसमें से ना कार में, काम आ जाएगी वो, क्यों आते समय से फ्रंट गेट से आ जाएंगे, इतना घूम के नहीं आना पड़ेगा, सर्दी है यार। तो चलो भाई निकलते हैं, नहीं मैं नहीं पहन रहा, हाँ भाई निकल गए हैं वॉक पे, वो खड़ी अपनी बसंती पीछे कार है ना, और अपन अभी खिड़की पर बैठे रहते हैं मैं डाल दूंगा ये बार में डाल दूंगा पागल हाँ भाई ऐसे पैदल पैदल चल रहे हैं, जा रहे हैं घूमने के लिए ना ऐसे। तो भाई जैसे कि ये दिख रहे हैं ये जो घर है ना मेन रोड पे, ये रहे यही है अपने वाले घर है ना, अपने वाले मतलब इसमें से अपना एक है इसी घर में से, नाइट शिफ्ट के बाद हालत ऐसी हो जाती है, शक्ल भी ऐसी हो जाती है यार, नहीं ज़्यादा ऐसी हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, तो यहाँ से निकल जाते हैं ना, फिर उस दिन तो गए थे अपने यहाँ से। तो भाई ये वॉक है काफ़ी अच्छी, यहाँ से आप लोग काफ़ी लंबी वॉक कर सकते हो, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये दिख रही है इस साइड भी कैनाल है पूरी लंबी, और क्या बोलते हैं इस साइड भी पूरी कैनाल है, अगर आपको एक अच्छी वॉक करनी है तो आप आ सकते हो, आज जल्दी आ जाओ, ये देखो ये है वॉक, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे साइकिल भी चलाते हैं, दिख रहा है साइकिल वॉक के लिए बना रखा है, काफ़ी लोग कुत्ता घुमाने के लिए भी आते हैं, कितने कुत्ते हैं यहाँ पे, आपको वॉक पे जाना तो वॉक पे भी जा सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो, जो भी अभी तो घास वास बड़ी हुई है ना वो सही मेंटेन करके रखते हैं इसको ना, ये कैनाल है लिवरपूल लीड्स कैनाल, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ना ये घोड़े खड़े हैं, ये देखो देख रहे हैं बड़े बड़े इनके बाल हैं सर्दी से बचने के लिए, ये देखो
तो भाई ये देखो कितना मतलब बढ़िया मौसम हो रखा है, और दिखाता हूँ आपको, घोड़े खड़े हैं है? ये देखो कितनी अच्छी वॉक है, फोन जस्टिस नहीं कर पा रहा है इस वॉक के साथ ना। भाई हमारे साथ देखो ये कुत्ता भी आया है घूमने के लिए, ये कुत्ता बहुत अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकाल रहा है। ये देखो घोड़ा, घोड़े बच्चा है ये, ये देखो घोड़े का बच्चा और वो घोड़ा है। ये आपको पिलर्स दिख रहे हैं ये वाले ना लोहे के, ये वाले ना, इस पे नाव बांधी जाती है, ये हर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर में, तो आप लोग सोचोगे इतने पतले में से नाव कहाँ निकलेगी ना। तो भाई यहाँ पे होती है नावें, देखो सामने बोट हाउसेज हैं, लोग रिटायरमेंट लेने के बाद एक बोट हाउस ले लेते हैं और इसी में रहना खाना करते हैं, घूमते रहते हैं, इसी में रहते हैं, सारी सुविधा इनके अंदर ही होती है। इसका भी इवन टैक्स जाता है, इसका क्या बोलते हैं ईएमआईज होती है, मतलब ये भी मॉर्गेज के ऊपर मिलते हैं आपको, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनकी भी ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, इवन जो कैनाल के जो जैसे हम लोग काउंसिल टैक्स देते हैं तो इनका भी कैनाल का भी टैक्स होता है साफ़ सफाई का ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कैरावान्स भी खड़ी हैं यहाँ पे, आपको और दिखाता हूँ, चलो आगे चलो। ये भाई भाई साइकिल ले, बहुत बड़ी साइकिल है, बहुत कम लोग चला पाते हैं इसको। तो ये सामने आपको बोट्स दिख रही होंगी, देखो आपको दिखाता हूँ, मेरे को आप लोग कहो तो भाई मैं भी ले लूँ एक रिटायरमेंट के बाद, मैं और कैमरामैन इसमें घुमा करेंगे फिर। तो ये लोग ये बोट ले लेते हैं, इसी के अंदर रहते हैं, देखो जैसे ये वाली बोट है तो ये पूरा घर है इनका, ये इसी में मतलब यहाँ पे पार्क करके शॉपिंग सेंटर चले जाते हैं, शाम को सामान वामान खरीदना होता है, ग्रोसरी वगैरह लेनी होती है, तो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोग लेते हैं ये बोट्स और इसमें रहना पसंद करते हैं। हमारा घर गृहस्थी से एकदम दूर, फिर साल भर दो साल तीन साल चार साल रहते हैं इन्हीं कैनाल्स में, जो ये हैं कैनाल पानी वाली, इनके अंदर ही घूमते हैं, इन्हीं के अंदर रहते हैं, काफ़ी सही रहता है। मैंने देखी भी, अंदर से भी देखी है मैंने ये, और देखो ये कैरावान्स भी है ना, लोग वो जो टो करके लेके जाते हैं घूमने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको ना क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे पार्क करके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर कैनाल के बाद एक छोटे छोटे गेट होते हैं, तो जैसे कि इसमें कोई हस्बैंड वाइफ रहता है या फिर कोई अकेला बंदा रहता है तो उसको गेट खोलने पड़ते हैं, फिर ये पास होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ना, कभी दोबारा वॉक पे आऊँगा तो आपको और भी सारी चीज़ें दिखाऊँगा इसके अंदर, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है ये। ये देखो कितना सुंदर है इस साइड भी खुले में, और इस साइड ही जंगल है भाई। कभी बहुत कम आता हूँ वॉक पे ना, बिजी इतने रहते हैं लाइफ में, अभी छोटी छुट्टी है आज की तो इस चक्कर में आ गया मैं ऐसे घूमने के लिए, और ट्रेडमिल पे वॉक नहीं करी, भागे भी नहीं, तो सोचा यहाँ पे ना क्या होता है कि ना ये लोग लाइफ एंजॉय करते हैं अपनी, यार देखो कितने मस्त तरीके से अपने यहाँ पे ऐसा होता है, जो पेरेंट्स पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादियों के लिए कमाते हैं। यहाँ पे है मतलब अगर फीमेल कमा रही तो फीमेल का पैसा फीमेल का है, मतलब माई मनी इज़ माई मनी, योर मनी इज़ योर मनी, ये वाला हाल है। तो सबका पैसा खुद का है, सब कमाते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कमाने लग जाते हैं, चाहे छोटी मोटी जॉब करें, पढ़ते भी हैं कमाते भी हैं, तो ये चीज़ है। सब लोग यहाँ पे अपने लिए कमाते हैं, पर अपने जो पेरेंट्स बेचारे जो लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये चीज़ है यहाँ के लोगों में और अपने वाले लोगों में डिफरेंस। तो भाई यहाँ ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ मैं, ये देखो कितना सुंदर दृश्य है, एकदम शांति, एकदम शांति। ये पार्ट भी है इंग्लैंड का, इसलिए मेरे को कंट्री साइड ज़्यादा पसंद है ना, सिटीज़ वगैरह में रहना मेरे को इसलिए इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि एकदम शांति है इस साइड, नेचर है इस साइड। तो भाई ये आज नेक्स्ट डे है और अपन घर आ गए थे, है ना, थोड़ा बहुत घूम फिर के आ गए थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी अपन ने कर ली थी, उसके बाद थक गए, है ना, और अभी भाई छुट्टी है अपनी, इसको एंजॉय किया जा रहा है। तो खत्म करते इस वाले व्लॉग को यहीं पे, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए भाई सभी लोगों को राम राम।